बारे में अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे शेप ऑफ मशीन। तो आपको जैसा कि बताया था, लेथ मशीन काम आती है अपने जो सिलिंड्रिकल पीसेस जो होते हैं उनकी लिए, और अगर फ्लैट सरफेस को तैयार करना है तो उसके लिए जो दूसरी मशीनें काम आती है उनमें से एक मशीन है शेपर मशीन। ठीक है, शेपर मशीन जो है बेसिकली प्लेन सरफेस जो है उसको तैयार करने के लिए काम में आती है। तो बेसिकली क्या है कि शेपर मशीन जो होती है वो इस तरह का, ये डायग्राम, ये फोटो इसमें दिया गया है। इसमें क्या है, ये शेपर में ये जो इसका जो रेम होता है रेसिप्रोकेट होता है, ये जो होता है जैसे उसमें तो क्या रोटरी मोशन होता था लेथ मशीन में, जिसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, आगे वो पीछे जाती है और आगे पीछे जाके और उस वजह से आगे के स्ट्रोक में काटती है। जनरली जैसे ये लेथ है तो ये लेथ का ये रेम है ना, यहाँ पे टूल लगता है इस जगह, ये टूल आगे और पीछे इस तरह से चलेगा और आगे के स्ट्रोक में काटेगा और पीछे ये काटता नहीं, तो इस तरह से जो ये होता है ये लेथ मशीन वैसे। अब ये तो हॉरिजॉन्टल भी काट सकती है, वर्टिकल में भी काट सकती है, इंक्लाइंड होता है वहां भी काट सकती है, लेकिन प्लेन सरफेस बनाएगी। ठीक है, ये प्लेन सरफेस बनाने के काम आती है, जबकि जो लेथ है वो हमारा सिलेंड्रिकल जो ऑब्जेक्ट है उनको करने के मशीनिंग करने में काम आती है। ठीक है ना, तो इस तरह से है। इसका आगे मैं बताता हूँ, इसका फंक्शन क्या है कि मेन जो है वो तो है फ्लैट और प्लेन सरफेस बनाना, चाहे हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो इस तरह से। ठीक है, टूल जो होता है वो रेसिप्रोकेट होता है वर्क के ऊपर, ड्यूरिंग फॉरवर्ड स्ट्रोक टूल काटता है और ठीक है, और रिटर्न स्ट्रोक में वो काटता नहीं है, पीछे जाता है फिर वापस, जब वो पीछे जा रहा होता है उस दौरान हम उसको फीड देते हैं, जब काट रहा होता है उस दौरान फीड नहीं देते, जब पीछे जा रहा होता है उस दौरान फीड देते हैं। मैं डायग्राम से वो समझाता हूँ आपको, ये एक डायग्राम है, इसमें क्या है कि जैसे ये टूल है, ये टूल है, ये आपका वर्क पीस है। ठीक है, तो ये टूल जो है इस तरह से जब आगे आएगा, इस तरह से जब आगे आएगा, जब ये आगे आएगा तब ये इसको काटेगा, और जब पीछे जाएगा तब क्या होगा, ये काटेगा नहीं, तो उस दौरान हम क्या करेंगे, इसको वर्क पीस को थोड़ा सा इधर फीड दे देंगे। ठीक है, थोड़ी सी इधर दे देंगे, तब ये वापस जब पीछे जाएगा, वापस जब अगली बार आगे आएगा तब इसको कट कर देगा। ठीक है, इसी तरह से फिर वापस जब पीछे जाएगा उस दौरान हम इसको फीड देंगे, तो इस तरह से ये कंटिन्यूस चलता जाएगा और ये इस तरह से ये वाली जो सरफेस है ये फ्लैट सरफेस तैयार हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये जो है ये तो है इसकी डेप्थ ऑफ कट हो गया, ये वाला, ये इसका इस तरह से हम हर स्ट्रोक पे जितना इसको आगे बढ़ाएंगे वो कहलाएगी इसकी फीड कहलाएगी। ठीक है ना, और ये टू क्या चीज बोलो, नहीं तिरछा नहीं, आगे मूव करना, खाली मोड़ना नहीं है, ये जो है ना वर्क पीस को हम इस तरफ हर बार जब पीछे जाएगा ना तब हम इसको मतलब इस तरह से आगे फीड देंगे। ठीक है ना, तो ये क्या है, इस तरह से इधर की सरफेस कटती जाएगी, जैसे यहां से अपन ने शुरू किया इस कॉर्नर से, ठीक है, यहां से इसने ये कट किया, फिर हमने इसको इधर मूव कर दिया, ये इधर कट करेगा, तो इस तरह से ये सरफेस जनरेट होते हुए चलती जाएगी जब तक ये पूरी सरफेस जनरेट नहीं हो जाए, तो इस तरह से इसका काम होगा। तो इसलिए इसमें क्या होता है, बेसिकली ये आगे की तरफ तो काटता है, पीछे जब जाता है ना तो इसमें मैकेनिज्म इस तरह से होता है कि टूल अपने आप ही पीछे जब जाएगा तो फ्रिक्शन के कारण ऊपर उठ जाता है और ये काटता नहीं है। ठीक है ना, आगे आता है तभी काटता है, तो ये मैं आगे इसका बताऊंगा कंस्ट्रक्शन, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका बेसिकली मैकेनिज्म ये है कि इस तरह से काटेगा और फ्लैट सरफेस तैयार करेगा। अब फ्लैट सरफेस में हमारे को फ्लैट सरफेस भी तैयार कर सकते हैं, या कई बार हमारे को ग्रूव बनाने होते हैं अलग अलग, कोई कीवे है या इस तरह के ग्रू है, तो ग्रू बनाने में भी हम इस मशीन को काम में लेते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, हमारे को यहाँ पे ग्रू बनाना है इस सरफेस पे, है तो इस ग्रू में हम क्या करेंगे, इतनी इतनी चलाएंगे यहाँ से यहाँ तक तो इतना ग्रू तैयार हो जाएगा हमारे पास, तो ग्रू भी बना सकते हैं और ये मतलब फ्लैट सरफेस भी तैयार कर सकते हैं, दोनों ही वर्क इसमें हो सकते हैं। अब आता है कि जो शेपर है कितनी तरह की होती है, तो बेसिकली ये तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहले तो होता है कि इसको जो चलाने का जो मैकेनिज्म है वो कितनी तरह का है, इस पे डिपेंड करता है। तो एक तो होता है क्रैंक टाइप, एक आता है गियर टाइप, और एक होता है हाइड्रोलिक टाइप, डिटेल आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, दूसरा उसको क्लासिफाई करते हैं अपन, वो करते हैं इसके ट्रेवल के आधार पर, हॉरिजॉन्टल टाइप है या वर्टिकल टाइप है, मतलब इसकी जो रेम जो है, ये जो टूल है आपका, ये हॉरिजॉन्टली चल रहा है या वर्टिकल चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल टाइप शेपर मशीन है या वर्टिकल। जनरली एक को मशीन अपन आपके कोर्स में है वो है स्लोटर,
वो स्लोटर भी एक तरह का शेपर ही होता है, बस उसमें वो जो इसका जो मशीनिंग होती है, रैम जो होती है, व्हील जो होता है वो वर्टिकल चलता है, तो इस तरह से वो वर्टिकल टाइप शेपर मशीन हो गई, या उसको स्लोटर भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। फिर आता है अकॉर्डिंग टू डिजाइन। डिजाइन में मतलब ये कि स्टैंडर्ड शेपर आती है, एक यूनिवर्सल आती है। स्टैंडर्ड शेपर में क्या होता है, हम खाली हॉरिजॉन्टली उसको काट सकते हैं, ठीक है, और जबकि वर्टिकल शेपर जो होती है उसमें हमारी जो टेबल जो होती है उसको हम किसी भी एंगल पे मूव कर सकते हैं, इसलिए उसको यूनिवर्सल बोलते हैं। स्टैंडर्ड शेपर में जो आपकी जहाँ पे वर्क पीस लगता है वो टेबल एक फिक्स पोजीशन पे रहती है, उसको हम किसी एंगल पे मूव नहीं कर सकते, इसलिए इसको स्टैंडर्ड शेपर बोलते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपको शेपर का दिखाया गया है, इसमें ये जो तीन तरह की है, जैसे ये वाली जो शेपर है, इस शेपर में क्या है कि अंदर की तरफ पूरा क्रैंक और बुल गियर का मैकेनिज्म होता है, जो मैं आपको बताऊंगा, जिसको क्विक रिटर्न मैकेनिज्म भी बोलते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग ये काम करती है। तो ये दूसरी होती है हमारी गियर्ड लेवल शेपर। गियर शेपर में क्या होता है कि अंदर रेक और पिनियन होता है, तो वो रेक और पिनियन आपने देखा होगा कई बार, जैसे हम किसी चीज को रोटेट करते हैं तो वो रेक आगे बढ़ती है और फिर पीछे जाती है, तो वो गियर जब आगे पीछे इस तरह से जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग ये चलता है, तो वो गियर्ड शेपर हो जाती है, ठीक है। और इसी शेपर को अगर हम हवा से चलाए, न्यूमेटिक प्रेशर से, जो न्यूमेटिक प्रेशर से जो चलती है उसको हाइड्रोलिक प्रेशर बोलते हैं, या हाइड्रोलिक अंदर क्या हाइड्रोलिक पंप होता है, तो हाइड्रोलिक न्यूमेटिक भी हो सकती है और हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक में फ्लूड होगा, लिक्विड होगा, और न्यूमेटिक में एयर से उसको चलाएंगे। इस तरह से वो किस तरह का जो चीज है चलाने का उसको यूज लेने के पर डिपेंड करता है कि मशीन किस तरह की है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल शेपर और वर्टिकल शेपर, जिसका मैं बताया कि इसमें जो ये टूल है ये हॉरिजॉन्टल चलता है और इसमें टूल जो है इस तरह से वर्टिकल चलेगा, तो इस वर्टिकल वाली को कई बार स्लोटर भी बोल देते हैं। स्लोटर मशीन और वर्टिकल शेपर एक जैसी होती है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल शेपर मशीन होती है, ठीक है। अब आता है कि इसको ये किस तरह से काम करती है, इसके कंस्ट्रक्शन बता देता हूं मैं आपको। तो कंस्ट्रक्शन में आप अगर देखोगे तो नीचे का ये इसका बेस है, इस बेस के ऊपर ये पूरी मशीन टिकी होती है। तो इस बेस जो जनरली होता है कास्ट आयरन का होता है, और बीच का ये जो पूरा पोर्शन है बॉक्स टाइप जो दिख रहा है इसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके इधर ये जो है ये है टेबल है, ये वाली है टेबल, और ये जो इसका टेबल का सपोर्ट है, एडजस्टेबल सपोर्ट है, ये टेबल ऊपर नीचे जा सकती है और हॉरिजॉन्टली लेफ्ट या राइट, जैसे अपन इधर से देख रहे हैं तो पीछे जा सकती है और आगे आ सकती है, ठीक है। तो ये लेफ्ट और राइट भी मूव हो सकती है, ऊपर नीचे मूव हो सकती है, और इस टेबल के ऊपर यहाँ पे हम वाइस लगाते हैं, जिस वाइस में हम वर्क पीस को लगा देते हैं, ठीक है। और इस कॉलम के अंदर इसका पूरा ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है जो इसको रेसिप्रोकेशन कराता है, और वो ड्राइविंग मैकेनिज्म अगर क्रैंक टाइप है तो अंदर गियर और बुल गियर वगैरह होते हैं, और एक गियर टाइप होता है तो अंदर पूरा गियर बॉक्स होगा, ठीक है। और अगर हाइड्रोलिक है तो हाइड्रोलिक पंप वगैरह और हाइड्रोलिक फ्लूड का पंप और टैंक वगैरह वो हो गए इसके अंदर, ठीक है। और इसके ऊपर टॉप में ये जो पार्ट है जो रेसिप्रोकेट होता है इसको बोलते हैं रेम, इसको बोलते हैं रेम, ठीक है ना। तो रेम को जो है आगे पीछे सरका के हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे ये रेम क्लैंपिंग नट होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्केल भी लगा रहता है कि ये कितना आगे या पीछे जा रहा है, जितना मैक्सिमम आगे या पीछे जाता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक बोलते हैं, कि एक बार में जितना आगे से लेके पीछे तक जितनी डिस्टेंस इसने मूव की वो इसका कहलाता है स्ट्रोक कहलाता है, ठीक है। इसके ऊपर ये यहाँ पे इसका ये टूल बॉक्स है, इसका इस टूल बॉक्स में आप ऊपर यहाँ पे जो होता है इस टूल को ऊपर या नीचे सरकाने का होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक डायल लगा रहता है जिसको हम इस टूल को किसी एंगल पे इंक्लाइन करके इंक्लाइन प्लेन को कट कर सकते हैं, और आगे यहाँ पे ये टूल पोस्ट लगा रहता है, टूल होल्डर लगा रहता है जिसमें ये टूल लगा रहता है, ठीक है। ये टूल के यहाँ बीच में एक क्लैपर बॉक्स होता है, ये क्लैपर बॉक्स इस तरह से होता है कि जब ये आगे की तरफ जाएगा तब तो ये काटेगा, और जब पीछे की तरफ आएगा तो ये क्लैपर बॉक्स इस टूल को उठा देगा ऊपर। यहाँ पे क्या इस तरह से रहता है, ये इस तरह से एक क्लैपर बॉक्स होता है और यहाँ पे एक पिन लगी रहती है इसकी। तो अब जब ये क्या है कि आगे जाएगा ना तब तो पीछे का ये जो हेड जो है इसके सपोर्ट से ये पीछे नहीं जा पाएगा तो आगे की तरफ जाके ये कट करता जाएगा, लेकिन आगे की तरफ वापस पीछे जब आएगा तो ये क्या होगा, ये इस तरह से इस पिन के कारण ऊपर उठ जाएगा और ये टूल काटेगा नहीं, तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना। अब कई बार क्या होता है कि हमारे क्या वर्क पीस अलग अलग साइज के होते हैं,
तो अलग अलग साइज के होते हैं, तो हमारे को स्ट्रोक लेंथ भी उसके अकॉर्डिंग सेट करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो वर्क पीस है, माना कि इसकी जो लंबाई है ये है माना कि 250 mm या 25 सेंटीमीटर बोलते हैं, तो जनरली हम जो स्ट्रोक लेंथ जो लेते हैं ना, आगे की तरफ लगभग 5 mm लेते हैं, पीछे की तरफ लगभग 10 mm लेते हैं, तो मतलब लगभग 15 mm हम उससे ज्यादा की स्ट्रोक लेंथ सेट करते हैं। ठीक है, अगर ये 250 का है तो 250 + 15 मतलब कितना हो गया हमारे पास 265, तो इसकी स्ट्रोक लेंथ हम 265 पे सेट करते हैं। अब 265 पे इसकी स्ट्रोक लेंथ सेट करने के लिए करते क्या है कि अंदर एक बुल गियर होता है जो मैं आपको बताऊंगा, उसकी जो ब्लॉक होता है उसको ऊपर या नीचे करके हम इसकी स्ट्रोक लेंथ को चेंज कर सकते हैं। और दूसरा होता है, अब क्या होता है कि जैसे ये वर्क पीस यहाँ लगा हुआ है, अब कभी वर्क पीस यहाँ भी हो सकता है और कभी वर्क पीस थोड़ा पीछे इधर भी हो सकता है, तो अगर आगे या पीछे है तो हमारे को क्या स्ट्रोक इस रैम को एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए क्या करता है, यहाँ पे ये रैम क्लैंपिंग नट है इसको लूज करके और हम इस रैम को आगे या पीछे इधर मूव करके खींच सकते हैं, आगे या पीछे खींच सकते हैं, तो ये इसकी वर्क पीस की पोजीशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब कुछ में तो क्या होता है कि एक हैंडल लगा रहता है उसको घुमा के हम एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ में हमारे को हाथ से इसको खींचना होता है, वो डिपेंड करता है आपकी मशीन किस तरह की, और इस तरह से हम इसकी पोजीशन को सेट करते हैं। पोजीशन सेट हो जाती है, स्ट्रोक लेंथ सेट हो जाती है, उसके बाद हम कटिंग करते हैं। तो कटिंग का जैसे मैंने बताया था कि जैसे मशीन को अपन ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद क्या करेंगे, टूल को इसके यहाँ पर टच कर देंगे। अब टच करने के बाद हम क्या करेंगे कि अब मशीन को ऑन करेंगे तो ये टूल आगे जाएगा, इसको कट करेगा। ठीक है, अब जैसे ये आगे की तरफ जाएगा ये कट करेगा तो डेप्थ ऑफ कट कम ही जाएंगे, 1 mm 2 mm से ज्यादा डेप्थ ऑफ कट नहीं रखेंगे, आगे की तरफ ये कट करेगा। जब ये पीछे आ रहा होगा तब इस टेबल को मूव करके हम आगे बढ़ा देंगे, माइक म्यूट कर दो आपका, तो इसको टेबल को हम आगे बढ़ा देंगे तो नेक्स्ट स्ट्रोक में ये कट करेगा, फिर इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे, जो कि मैंने इस डायग्राम में बताया, पिछले वाले डायग्राम में आपको बताया ना कि आप जिस टेबल को हमने ये कर दिया तो जब ये आगे आएगा तब कट करेगा, फिर हम क्या करेंगे अगले स्ट्रोक में इसको इधर मूव कर देंगे, इधर मूव करेंगे तो ये इसको कट करेगा, फिर वापस पीछे जाएगा। इस तरह से जब तक कि हमारा पूरी सरफेस पर कटिंग नहीं हो जाए तब तक इस तरह से हम इसको कराएंगे, तो ये इसका पूरा कटिंग ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको पूरी कटिंग का ऑपरेशन होगा। अब इसमें जो पार्ट जो जनरली एक्सेसरीज वगैरह लगे रहते हैं वो मेनली ये वाइस है, टेबल के ऊपर वाइस को हम क्या करते हैं टी बोल्ट की सहायता से लगा के बिल्कुल फिक्स रखते हैं और इस वाइस के ऊपर हम वर्क पीस को लगाते हैं, यही इसका मेन है। बाकी तो सारे चीजें टूल जो है या टूल होल्डर में लगेगा और इस तरह से इसको हम कटिंग ऑपरेशन इसमें कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये डिफरेंट पार्ट्स इसमें मैंने लिख दिए। रेम क्या है, रेम जो इसमें जो रेसिप्रोकेट होता है ऊपर का पार्ट जिसपे टूल हेड लगा रहता है वो इसका रेम है। टेबल है जहाँ पे वर्क पीस को लगाएंगे और वाइस लगी रहती है। टेबल जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ मूव हो सकती है। ठीक है, फिर है ये क्लिपर बॉक्स। क्लिपर बॉक्स मैंने आपको बताया टू डॉट हेड पे यहाँ पे होता है, जो आगे की तरफ जाएगा तब कट करने देगा और पीछे की तरफ लाने पे ये ऊपर उठ जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं क्लिपर बॉक्स। ठीक है, क्लिपर जैसे आपने देखा होगा ना, क्लिप देते हैं ताली की तरह, तो वो क्या पीछे आएगा तो एक ताली की आवाज आएगी, इसलिए क्लिपर बॉक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर है ये टूल हेड, टूल हेड जिसपे टूल लगता है, और क्रॉस रेल जो होती है जिसपे आपका टेबल जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट जो होता है उसका, और सेडल है, इट कैरीज द वर्क टेबल, सेडल वर्क टेबल को पूरे सेडल पे होल्ड करते हैं। इस तरह से इसके डिफरेंट पार्ट्स है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो होता है। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इसमें क्या ये आगे की तरफ जाएगा तब कट करता है और पीछे की तरफ आता है तब कट नहीं करता है। तो अब यो देखा जाए तो एक तरह से पीछे की तरफ आ रहा है तब ये कोई काम नहीं कर रहा है, हम ये चाहेंगे पीछे जल्दी आ जाए और आगे की तरफ जाए तब पूरा काम करते हुए जाए। पीछे जल्दी आना है इसलिए इसको क्या, पीछे जल्दी आने के लिए जो सिस्टम सेट करते हैं इसलिए इसको बोलते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ठीक है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्यों कर रखते हैं, ताकि पीछे जल्दी आ जाए तो हमारा टाइम बचेगा और आगे की तरफ ये कटिंग करता है इसलिए। अभी क्विक रिटर्न मैकेनिज्म किस तरह से अचीव करते हैं, इसके लिए आप शायद थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ चुके होंगे कि उसमें आपको बताया होगा कि इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म, फोर लिंक मैकेनिज्म आप पढ़ चुके हो, तो अनम्यूट करके बताओ। फोर लिंक मैकेनिज्म शायद सर ने पढ़ाया होगा, पढ़ाया इसमें इन्वर्जन पढ़ाया होगा, इन्वर्जन। नहीं, सिंगल स्लाइडर का नहीं, इसमें इन्वर्जन, हाँ इन्वर्जन बिल्कुल सही कह रहे हो। तो उससे हम क्या क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जनरेट करते हैं,
तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कैसे होता है कि अंदर जो होता है ना, एक बड़ा सा बुल गियर होता है, बड़ा सा गियर होता है, मैं डायग्राम में बता देता हूँ, इस तरह से ये बड़ा सा गियर होता है, ये इसके मशीन के अंदर होता है, ये अलग से दिख रहा है आपको या दिखाने के लिए, बाकी वास्तव में अंदर मशीन के अंदर होता है। ये जो बड़ा जो है ये है बुल गियर, इस बुल गियर के ऊपर ये क्रैंक होता है, ये क्रैंक लीवर होता है ये वाला, इस क्रैंक लीवर के अंदर ये एक ब्लॉक होता है जो इस बुल गियर से अटैच होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये बुल गियर घूमेगा तो क्या होगा, ये क्रैंक भी उस हिसाब से घूमेगी, तो अंदर ये जो क्या नाम है, ये क्रैंक जो है ये क्या होगी, ऑसिलेट होगी, ये सिलेट होगी, तो इससे जुड़ा हुआ रेम जो है इस तरह से रेसिप्रोकेट होगा। तो हमारे को क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कैसे मिलता है इसका, ये इस डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम में आप देखोगे ये जो आपका है ये बुल गियर है, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे ये क्रैंक लगी हुई है। अब ये जो ब्लॉक है ये क्या घूमेगा, तो ये घूमेगा तो यहाँ मैक्सिमम यहाँ तक आएगा और इधर मैक्सिमम यहाँ तक आएगा, तो इस दौरान ये यहाँ से यहाँ तक आएगा जब तक ये क्या होगा, अगर ये इस तरह से घूम रहा है रोटेशन इसका माना कि ये है, तो यहां से यहां तक में तो ये क्या करेगा, कट करेगा, और यहां से यहां तक जब आएगा ये कट नहीं करेगा। इस तरह से ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में यहाँ ये वाला एंगल आप देखोगे ये एंगल छोटा होता है, ये एंगल क्या होता है, छोटा होता है, ये पीछे जल्दी आ जाएगा जबकि आगे जो जाएगा वो तेजी से जाएगा। तो इस तरह से क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में आपने थ्योरी ऑफ मशीन में भी पढ़ा होगा और ये वर्कशॉप में भी आपको प्रैक्टिकली ये देखने को मिलेगा। जब भी आपकी कभी प्रैक्टिकल क्लास लगेगी तो शेपर मशीन का आपको एक्चुअल में देखना कि उसमें किस तरह से होता है। और बाकी तरीका यही है कि ये जो बड़ा सा गियर है, ये जो आपका बुल गियर है, इस पे इस तरह से ये क्रैंक लगी रहती है। अब ये क्रैंक की जो पोजीशन है इस पे डिपेंड करता है कि इसकी स्ट्रोक लेंथ कितनी होती है। तो स्ट्रोक लेंथ जो हम चेंज करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि ये जो ब्लॉक है बीच का, मैं इसके मिटा देता हूँ आपको जो थोड़ा सा क्लियर दिखे, ये वापस ये जो मैंने किया है इसको मिटा देता हूँ। ये जो है ना, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को ऊपर या नीचे करेंगे ना अपन तो इसकी स्ट्रोक लेंथ कम जाए, जैसा इस ब्लॉक को मैं ऊपर ले जाऊं तो इसकी स्ट्रोक लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी, एंगल कम हो जाएगा। इसको ब्लॉक को मैं नीचे ले जाऊंगी तो स्ट्रोक लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसको स्ट्रोक लेंथ को कम या ज्यादा करने का तरीका बेसिकली इस गियर जो का ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को ऊपर या नीचे करके हम इसको मतलब इसकी स्ट्रोक लेंथ को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब फीड जो मैंने कहा ना कि हम पीछे जब आएगा तब ये कटेगा, तो फीड को ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। तो उसे ऑटोमेटिक करने के लिए यहाँ पे ये मैकेनिज्म होता है। ये मैकेनिज्म क्या होता है, यहाँ पे ये जब ये घूमता है तो इस यहाँ पे ये जो लीवर होगा यहाँ पे ये अटैच्ड है, ठीक है। ये जब घूमेगा तब इसको इस तरह से, जैसे ये एक और क्रैंक ये लगी हुई है, क्रैंक ये जब रोटेट होगी तो इसके साथ इसको ये यहाँ पे ये दांते हैं, इन दांतों से ये नीचे या ऊपर इसको मूव करेगा, उसके कारण से ये टेबल हॉरिजॉन्टली लेफ्ट या राइट में मूव होगी। तो इस तरह से हम इसके फीड को देख सकते हैं, ठीक है ना। ये इसका डिफरेंट मैकेनिज्म है कि किस तरह से ये मतलब क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है। और क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्यों रखते हैं हम, इसका कारण मैंने बता दिया कि क्योंकि आगे की तरफ हम काटते, पीछे हम आते, हमारे मशीन काम नहीं कर रही, तो काम नहीं कर रही तो वो टाइम हम कम से कम रखते ताकि हमारी जो आइडल टाइम है वो कम हो और हमारी आउटपुट हमारा ज्यादा हो जाए, इसलिए हम इस तरह से इसको करते हैं। और इसकी मशीन की एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ काम में आती है, ये मैं वैसे बता चुका हूँ। उसमें एक हॉरिजॉन्टल सरफेसेस को बनाने के लिए काम आती है, वर्टिकल सरफेस को बनाने के काम आती है, एंगल पे कोई सरफेस होती है उसको बनाने के काम आती है, स्लॉट्स बनाने में, स्लॉट्स है, ग्रूव्स है, कीवे है, इनको बनाने में काम आती है, इररेगुलर कोई सरफेस है तो उसको प्लेन करने में काम आती है, और स्प्लाइन और कटिंग गियर, गियर कटिंग में भी काम आती है। जो टूल है उसकी जगह अगर हम गियर कटिंग टूल काम में लगा दें तो गियर कटिंग का भी काम कर सकते हैं, तो उसके लिए भी काम आ सकती है। और स्प्लाइन जो होती है, बेसिकली आपने कहीं देखा होगा कि एक जो कोई शाफ्ट है इस तरह की, जैसे कोई शाफ्ट है, इस शाफ्ट के ऊपर आप इस तरह से अपन ग्रूव बने रहते हैं आगे, इस पूरी शाफ्ट पे आपने कहीं अगर बस या ट्रक वगैरह में नीचे देखा होगा तो एक लंबी सी शाफ्ट होती है, उसके एंड पे इस तरह के ये ग्रूव बने रहते हैं। तो दूसरा एक हब होती है, इसके ऊपर भी अंदर की तरफ ग्रूव होता है, वो अंदर फिट होता है, इसको हम कहते हैं स्प्लाइन बोलते हैं। तो क्या उसके कारण क्या होता है, ये शाफ्ट बोला आगे पीछे जाए, लेकिन अगर वो रोटेट होगी तो पीछे जो उसका क्या नाम है, ऑटोमोबाइल का जो वो
डिफरेंशियल मैकेनिज्म है उसको ड्राइव इससे मिलती है। तो अगर आप ऑटोमोबाइल में पढ़ रहे होंगे या पढ़ा दिया हो तो उसमें देखोगे कि वहां पे इस लाइन को काम में लेते हैं। तो ठीक है, मेरे हिसाब से शेपर का इतना ही होता है। और इसके बाद और जो प्लेनर और स्लोटर मशीन है वो भी इसी प्लेन सरफेस बनाने में काम आती है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इसमें कोई आपको कंफ्यूजन हो तो वो आप एक बार पूछ सकते हो।